स्वागत है आप सभी का मेडकेम क्लासेस में। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और पहुंच गए लास्ट स्टेप पे, जिसका हम बोलते हैं जो हमें पढ़नी है लास्ट चीज, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे टर्म है कंडक्टेंस। तो एक्चुअली कंडक्टेंस नाम का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसका था? रेजिस्टेंस का था, क्योंकि मैं पता, अगर मान लीजिए मैं मेटल वायर भी लेता हूं तो वहां से हम उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करते थे कि और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है इनहिबिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। कि करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या होता है, उसमें इनहिबिशन आता है, ठीक है। उनकी जो भी मेटल्स होंगे या जो भी वायर होगा उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कंडक्ट को कंडक्ट में क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। पूरा एफिशिएंसी के साथ फ्लो नहीं होता करंट, तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इनहिबिशन ऑफ करंट। कि मतलब कितना मुश्किल हो रहा है करंट को फ्लो कराना, तो ये कॉन्सेप्ट था। और हम कंडक्टेंस को ही, सॉरी रेजिस्टेंस को ही मेजर करते थे, किससे भाई? बिट स्टोन ब्रिज से। तो ये कहा गया कि भाई कंडक्टेंस कहां से लिया गया रेजिस्टेंस से, तो ये बताया गया कि रेजिस्टेंस को ही रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। रेजिस्टेंस को ही रिवर्स कर दिया, तो वहां से आ गया हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है। कि आखिर मेरा फ्लो ऑफ करंट में इनहिबिशन या मुश्किल हो रहा है तो वो मेरा रेजिस्टेंस है, और कितना इजी करंट फ्लो होगा वो मेरा कंडक्टेंस हो जाएगा। तो अभी हम कंडक्टेंस को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कंडक्टेंस से पहले क्या होता है भाई? कंडक्टेंस फ्लो ऑफ करंट, इज इन फ्लो ऑफ करंट। तो आखिर वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो करंट को जो है फ्लो होने देते हैं, जो भी कंडक्टर होते हैं जिनके थ्रू करंट जो है फ्लो हो सकता है। तो इसके लिए जो है इन कंडक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है भाई, कंडक्टर्स, ठीक है। तो जो पहले कंडक्टर होते हैं ये मरे होते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है। और दूसरे होते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे हमारे मेटल्स, उनको हम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स। और इसमें आते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर इनका काम क्या है कि इनके अंदर करंट जो होता है फ्लो होता है। और करंट कब फ्लो होता है आपको ही पता है, जब वहां से चार्ज की मूवमेंट होगी या फिर इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तब वहां पे करंट का फ्लो होगा। तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिनमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। आई बात समझ में? ये जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो सब्सटेंस में केमिकली कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ वो करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल सुनू मेटल्स का, तो मेटल्स में क्या होता है आपको पता है, मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जब मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो मेटल्स में केमिकली कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं मेटल्स की, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन, सॉरी करंट कैसे फ्लो होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जहां पे मेटल्स क्या होते हैं, जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली क्या करते हैं, थ्रू आउट द वायर या थ्रू आउट द मेटल क्या करते हैं, वो मूव करते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ओके। और वहां पे केमिकली कोई चेंज नहीं होता मेटल के मेटल में, या फिर जो भी मेरा कंडक्टर होगा वहां केमिकली कोई चेंज नहीं होता, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है, ओके। लेकिन बात की जाए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, तो ये देखिए ये कंडक्टर्स जो है जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या फिर मेटलिक कंडक्टर्स हैं, ये सॉलिड फॉर्म में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स है, यहां पर मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स का जनरली हम मेटल सॉल्ट्स ले सकते हैं या फिर एसिड्स हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब चार्ज स्पीसीज होती है। आई बात समझ में? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सीधा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही खुद मूव करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। और ये जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है ये सॉल्यूशन के लिए होती है। किसके लिए होती है भाई? सॉल्यूशन के लिए। तो आपको पता है सॉल्यूशन में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स भाई फ्रीली मूव सॉल्यूशन में नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये चार्ज्ड सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज होते हैं स्पीसीज, और ये चार्ज स्पीसीज क्या करती है, मूव करती है। तो कुल मिलाकर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए मूवमेंट चार्ज का होना चाहिए, चाहे वो सीधा इलेक्ट्रॉन ही घूमे या फिर जो भी चार्ज हमारा घूमना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं क्या ले लेता हूं, अगर मैं NaCl ले लूं तो NaCl में Na प्लस और क्या होगा, मेरा Cl माइनस होगा। तो यहां पर भी नहीं, देखिए यहां पर चार्ज घूम रहा है, यहां पर भी चार्ज घूम रहा है, ठीक है। Na प्लस घूमेगा, Cl माइनस मूव करेगा, तो यहां पर चार्ज जो है
ये पूरा का पूरा ये आयन ही घूमता है और ये चार्ज को कैरी किए हुए रहता है। तो यहां पे भी चार्ज की ही मूवमेंट होती है और यहां पे ही चार्ज की ही मूवमेंट होती है। यहां पे सीधा इलेक्ट्रॉन ही घूमता है और यहां पे आयंस घूमते हैं। ओके, और ये आयंस किस किस स्टेट में हो सकते हैं? आइदर ये मोल्टन स्टेट में हो सकते हैं, सॉल्ट्स जो भी हैं मोल्टन स्टेट में हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं एक्वस स्टेट में, या फिर एक्वस स्टेट या एक्वस मीडियम में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरी जो भी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से कंडक्टेंस होती है। तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर्स की और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है, तो देखिए ये जो मेरे मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, ये तो पहली चीज पता चल गया कि इनमें कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और इनमें किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से, तो आयंस ही मूव करते हैं। तो इनमें जो थोड़ा एक दो डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, उनको मैं लिख देता हूं और फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए भाई जैसा आपने अभी जाना कि जो मेरा मेटेलिक कंडक्टेंस है या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ही कहूं, तो यहां पे मेटेलिक कंडक्टेंस की बात की जाए तो मेटेलिक कंडक्टेंस क्या है, ये कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता है मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस होगी। बाकी जो मेरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है ये भाई इसमें क्या होती है, आयंस की मूवमेंट होती है। ठीक है, आयंस की या चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट होती है, डायरेक्ट चार्ज की मूवमेंट नहीं होती। और यहां पर क्या है भाई, यहां पर इट इन्वॉल्व्स नो केमिकल चेंज, जैसा मैंने अभी बताया जो मेरा मेटेलिक कंडक्टेंस होगा मेटल अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता जब इलेक्ट्रिसिटी वहां से फ्लो होती है। सो देयर इज नो एनी केमिकल चेंज इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टेंस। बट जो मेरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगा यहां पे केमिकल चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी यहां से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हम कहां एक सेल में करेंगे। ठीक है, तो सेल में केमिकल चेंज होंगे, इधर वो ऑक्सीडाइज होंगे और वो रिड्यूस होंगे, तभी क्या होगा वहां से करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, यहां पे केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में। और जो तीसरी जो कि एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें हम एग्जांपल डाल सकते हैं मेटल्स को, जैसे कॉपर, एजी या सिल्वर या फिर एल्युमिनियम, जो भी मेरे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बाकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में क्या जाता है, जो मेरे एसिड्स होते हैं, बेस एसिड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट्स का भी जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे सॉल्यूशन फेज में। ओके, और ये अपने सॉलिड फेज में ही जनरली। बाकी एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करते हैं और टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहां पे कंडक्टेंस क्या हो जाएगी भाई, इसकी डिक्रीज हो जाती है मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए। लेकिन यहां पे उल्टा होता है, अगर यहां पे टेम्परेचर बढ़ाया जाए, अगर यहां पे टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो जो मेरी कंडक्टेंस होती है ये भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इनमें कि यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिसिटी सॉरी कंडक्टेंस कम हो जाती है मेटेलिक कंडक्टेंस में, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो इसको हम समझते हैं आखिर ये क्यों होता है, तो इसके लिए रीजन बहुत ही क्लियर है, इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा भाई, अगर मैं बात करता हूं मेटेलिक कंडक्टेंस की, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस की, ठीक है भाई, अगर मैं मान लीजिए मैं एक वायर ले लेता हूं, अगर मान लीजिए मैं एक मेटल का वायर ले लेता हूं, तो यहां पे मेटल में क्या होगा, मेटल में यहां पे भाई जैसे मान लीजिए कि मैं किसका ले लूं, कॉपर का ही वायर ले लेता हूं, कॉपर का वायर ले लिया मैंने, तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर कटायंस होंगे Cu2+, 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 इनके साथ क्या होंगे, इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सरफेस पे जो होते हैं मेटल के सरफेस पे जो है ये घूमते रहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको पता है कि मेटल्स क्या होते हैं भाई, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या होते हैं वो रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सरफेस नहीं छोड़ के जाते हैं मेटल्स के, वो सरफेस में बाउंड होते हैं, लेकिन जैसे उनको पोटेंशियल मिलता है ये क्या करते हैं थ्रू आउट दी सरफेस क्या करते हैं ये मूव करने लगते हैं। तो आई बात समझ में, तो कुछ ऐसा हुआ कि ये मेरे मेटल के जो है सारे कटायंस हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर ऐसे क्या करते हैं भाई मूव करते रहते हैं, लेकिन सरफेस को छोड़ के नहीं जाते। ठीक है, तो ऐसे जो है मूव करते रहते हैं और जैसे मूव करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो यहां पर क्या है, कुल मिला के नीचे जो है, नीचे तो मेरे कटायन है, सरफेस के नीचे क्या होंगे मेरे भाई, कटायन कटायन कटायन। ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन भाई मूव करेंगे, तो अब क्या होता है, अब इनकी देखिए इनकी पोजीशन फिक्स होती है, कटायन की पोजीशन तो फिक्स होती है, वो जहां पे रहते हैं कटायन वहीं पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव करते हैं। तो अब क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर जब देते हैं ना, जब हम टेम्परेचर देंगे तो आपको पता है जब टेम्परेचर देंगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो भले ही कटायन बाउंड होते हैं लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इनको मिलता है ना, तो ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं।
आगे बात समझ में, ये अपने पोजीशन पे ये वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। तो जब ये वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे ऐसे 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 ऐसे, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो क्या होता है भाई, इनहिबिट हो जाता है। ये क्या कटायन से बार बार टकराते रहते हैं, इनका फ्लो अब स्मूथ नहीं रह जाता। अरे बात समझ में, अरे सीधी सी बात है, आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, सीधा सा रास्ता है, वहां पे आप अच्छे से चलोगे, अगर मैं बीच बीच में कांटे लगा दूं तो आपको चलने में दिक्कत होगी। तो ऐसी ही बात कुछ यहाँ भी होती है, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्री मतलब फ्लो करते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तब कटायन अपने पोजिशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तभी क्या भाई, इलेक्ट्रॉन उनसे कोलाइड करेंगे तो उनका मूवमेंट होता है इनहिबिट हो जाता है, फ्रीली मूव नहीं कर सकते अब। इसीलिए मेटेलिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस कम हो जाती है, ठीक है, ये रीजन था मेटेलिक कंडक्टेंस का। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में क्या है भाई, यहां पे जो है मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, मूवमेंट ऑफ चार्ज है, कटायन भी मूव कर रहा है, एनायन भी मूव कर रहा है फ्रीली, ठीक है, यहां पे कटायन तो बाउंड था, यहां पे कटायन एनायन दोनों फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जब हम टेम्परेचर देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इनकी भी बढ़ेगी, तो इस केस में क्या होगा, कटायन और एनायन दोनों ही तेजी से मूव करने लगेंगे, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, ओके। और यहां पे ऐसा कुछ नहीं, यहां पे कटायन बाउंड था, ये घूम नहीं सकता भाई, मेटल में कटायन घूम नहीं सकता, तो यहां पे ये वाइब्रेट करने लगता है, लेकिन यहां पे ये सॉल्यूशन में फ्रीली जो है इजीली घूमते हैं, और जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वो और तेजी से घूमने लगते हैं। तो चार्जेस जितना तेजी से घूमेंगे, जितनी उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, उतना ही क्या होगा, चार्ज का फ्लो बढ़ेगा। तो यहां पे क्या होता है, जैसे टेम्परेचर देंगे तो चार्ज का फ्लो बढ़ जाएगा, आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए यहां पे कंडक्टेंस क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। अगली बात समझ में, यहां टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाएगा तो यहां पे कंडक्टेंस ये बढ़ जाएगी, यहां पे जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो यहां पे कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये था एक मेजर डिफरेंस। थोड़ा हम कंडक्टेंस के या कंडक्टर्स के बारे में जान के अब हम आ जाते हैं, अब हमें यही पढ़ना है, यहां पे हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो यहां पे हम थोड़ा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की, तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये भाई हम इनको दो तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेरे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे को हम बोल सकते हैं मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट्स, और तीसरे को हम बोल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो हम इतना डिटेल में देना, उसे दो कैटेगरी में डाल देते हैं। पहला एक तो मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा जो है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनको हम मानते हैं कि वो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहते हैं। आई बात समझ में, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिए अगर मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इनको बोलते हैं जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मतलब जो भी उनको पानी में डाला जाए तो क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, और एक अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि मेरा डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है, कितना फ्रैक्शन उसका आयंस में डिसोसिएट हुआ, कितना अपने पुराने फॉर्म में ही है। तो यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट इनका ऑलमोस्ट 1 होता है, ये क्या मानते हैं भाई, इसको हम वैल्यू को ले लेते हैं 1 ऑलमोस्ट। तो ऐसा माना जाता है कि 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहते हैं सॉल्यूशन में। अगर मैं इनका एग्जांपल, तो एग्जांपल में क्या ले सकता हूं, इनका मैं एग्जांपल क्या ले सकता हूं, एग्जांपल क्या है भाई हमारा, HCl ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए, और क्या लेंगे आप NaNO3 ले लीजिए, ठीक है। तो जितने भी सॉल्ट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट मान हो जाए सॉल्यूशन में, ये क्या होंगे भाई, ये मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल होंगे। देखिए क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं HCl को पानी में डालता हूं ना, अगर मैं HCl को पानी में डाल दूंगी तुरंत जो है पूरा H+ प्लस Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, और H+ फ्रीली घूमने लगेगा और Cl- फ्रीली घूमने लगेगा, HCl नहीं रह जाएगा। अगली बात समझ में, HCl को पानी में डालने पे वो HCl नहीं रह जाता, वो H+ और Cl- में तुरंत ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं NaCl को पानी में डालूं तो ये
NaCl नहीं रह जाता, ये Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है, ठीक है। Na प्लस अलग घूमता है, Cl माइनस अपना अलग घूमता है, और ऐसा माना जाता है कि कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। अगर मैं NaCl के 100 मॉलिक्यूल लूं, अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लूं, 100 सॉल्ट मॉलिक्यूल, तो ये माना जाता है कि जब टूट जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये कंप्लीट, ये 100 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा, और ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कहानी कुछ ऐसी है, आप ये सुनते आ रहे हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है भाई, कि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं, ठीक है, विच इनके लिए क्या होता है, डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके लिए ये कंप्लीट डिसोसिएशन इनका नहीं होता, ठीक है। तो इसका हम मतलब क्या समझते हैं, देखिए हम भी मतलब क्या समझते हैं। अगर मैं कहता हूं, मैं किसी एग्जांपल अगर ले लूं, तो एग्जांपल में क्या ले सकता हूं, मान लीजिए मैं HCN ले लेता हूं, मेरा HCN ले लूं, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड COH, ये भी क्या है, मेरा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसा कहा जाता है कि सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, मतलब क्या, अगर मान लीजिए मैं CH3COOH के डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, CH3COO- देगा प्लस H प्लस देगा, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि मैं इसके अगर 10 मॉलिक्यूल लेता हूं, तो कुल मिला के क्या होता है भाई, कि इसमें से मान लीजिए कि 6 जो है डिसोसिएट हो गए, 6 डिसोसिएट हो गए, 4 यहां पे बचे रहेगा, और ये कितना बनेगा, ये 6 बनेगा और ये भी 6 बनेगा, मतलब तो यही होता है भाई कंप्लीट डिसोसिएट नहीं, वो 4 रह गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आखिर हम इसको कहां डालेंगे, इसको हम पानी में डालेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पानी एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है, क्या वो 10 को नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल तोड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो इसमें स्टेटमेंट हम डायरेक्ट समझ लेते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, ये गलत है। टूटते सारे के सारे हैं, आई बात समझ में, जितने मॉलिक्यूल जाएंगे सॉल्यूशन में टूटेंगे उतने, लेकिन कहानी शुरू होती है उनके ब्रेक होने के बाद, जैसे ही डिसोसिएट होते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है फिर से पास आ जाते हैं, आई बात समझ में, ये पानी में भी फिर से क्या होते हैं, सॉल्यूशन में जाने के बाद फिर से पास आ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, कुल मिला के टूटते रहते हैं जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं जुड़ते रहते हैं, प्रोसेस कुल मिला के एक इक्विलिब्रियम का हो जाता है, आई बात समझ में, ये किसका हो जाता है, इक्विलिब्रियम का हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो आयंस होते हैं, जो इन आयंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैसिव आयंस, ये होते हैं पैसिव आयंस, जो आपस में दोबारा नहीं जुड़ते, एक बार इनको सॉल्यूशन में डाल दिया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, ये अपना अलग घर बना के रहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से मतलब भी नहीं रखते, जुड़ते नहीं आपस में, ओके, तो इनको हम बोलते हैं पैसिव आयंस। लेकिन ये क्या होते हैं, ये एक्टिव आयंस होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को भूल नहीं पाते, आई बात समझ में ना, ये अगर टूट भी जाए तो फिर पूरी कोशिश रहती है आपस में मिल जाए, तो ये होता है आपस में मिलते रहते हैं बिछड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं बिछड़ते रहते हैं। तो वहां पे जो होता है नेट, एक पर्टिकुलर टाइम पे एवरेज कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस फॉर्म में और कितने प्रेजेंट हैं इस फॉर्म में, तो यहीं से डिसोसिएशन कांस्टेंट पता किया जाता है कि एवरेज कितने मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएटेड फॉर्म में है। तो इनके लिए जो होता है, ये अल्फा की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है, ये 100% सॉल्यूशन में डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं रहते, ओके। तो ये कहानी थी भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, कुछ भी HCN हो गया, CH3COH हो गया, जो भी मेरे जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये सब क्या है, मेरे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हमें जो है अब चीजें पढ़नी है, हमें पढ़ना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखिए भाई, हम थोड़ा कंडक्टेंस की तरफ मूव करने से पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में पहले जान लेते हैं, तो वहां से कंडक्टेंस को समझना हमें आसान होगा। जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एक लॉ हमारे ध्यान में आता है जो हमने 11th 12th में पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है भाई। तो ओम सर ने क्या कहा था, ओम सर ने कहा था कि मैं, मेरा कोई एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितने इंटेंसिटी से कितना स्ट्रॉन्गली फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा भाई सीधा कि उनके पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मतलब अगर मैं एक वायर ले लूं इतना बड़ा, तो करंट कितना मतलब तेजी से फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। आई बात समझ, दोनों के सिरे के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, उतना स्ट्रॉन्गली करंट फ्लो होगा, इतना उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो जब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं ना, तो यहां पे हो जाता है आई आर आता है, आर इधर लगाया जाता है और ये हो जाता है वी के बराबर, ठीक है, या फिर वी इज इक्वल टू हम लिखते हैं आई आर,
और ये आर क्या है भाई, यही आर है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है भाई ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट ठीक है, कि करंट के फ्लो होने में कितना हमें अपोजिशन मिल रहा है, कितना रुकाव मिल रहा है, ठीक है। उसी रुकाव को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया। और इसकी यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है भाई, यूनिट होती है भाई ओम, ठीक है। इसको हम ओम बोलते हैं या फिर ओ एच एम भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ओ एच एम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें फेनोमेना पता चला रेजिस्टेंस का। जब रेजिस्टेंस को मेजर किया गया, जब रेजिस्टेंस की स्टडी की गई, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या पता चला कि जो भी मेरा रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं एक वायर लेता हूं, अगर मैं मेटल का एक वायर लूं, उसमें रेजिस्टेंस को मैं स्टडी करूं, तो ये देखा गया कि जो मेरा रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई लेंथ के, ठीक है। मतलब वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना उसका रेजिस्टेंस होगा। आगे बात समझ में। और क्या मेजर किया गया कि जो मेरा रेजिस्टेंस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे ये देखिए, मान लीजिए मेरा मेटल का वायर है, तो ये यहां से लेके ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये जो है ये एरिया वायर का जो एरिया होता है इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये पता चला कि ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा या फिर वायर जितना हमारा मोटा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी, ठीक है। जब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो ये आ गया भाई आर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए आ गया, ठीक है। जब यहां से साइन को हटाया गया तो साइन हमारा आ गया आर इज इक्वल टू रो, ये रो है भाई, आप पता नहीं कैसे बनाते हो, मैं ऐसे बनाता हूं, रो एल बाई ए। आगे का समझ में, रो एल बाई ए। तो यहां पे क्या है, एल तो आपको पता चल गया कि लेंथ है वायर की, ए क्या है मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और क्या है यहां पे, ए हो गया, और रो क्या है, रो है मेरा, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। पहले इसको एक्चुअली स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते थे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी का रिकमेंडेशन है कि इस रो को रेजिस्टिविटी बोला जाए। तो आखिर रेजिस्टिविटी क्या है, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, ओके, और ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये जो रो है ये उस वायर में जो जो भी मेरा मटेरियल है उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। आई बस समझ में, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी। और ये क्या है आर, इस रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये आर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, लेंथ और एरिया को चेंज करके। लेकिन ये जो रो होता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ओके, ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है अपने, ओके। तो अगर इसको हम डिफाइन करें कि आखिर रो है क्या, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं मान लीजिए कि मैं ऐसा वायर ले लेता हूं जहां पे एल क्या हो भाई, एक सेंटीमीटर ले लेता हूं मैं, ओके, जहां पे उसकी लेंथ एक सेंटीमीटर ले लेता हूं, और इसका जो एरिया है, एरिया को मैं एक सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूं, जो जो भी क्रॉस सेक्शन लिए एरिया होगा उसको भी मैं एक सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूं, तो इस केस में क्या होगा देखिएगा। तो इस केस में देखिएगा, आर इज इक्वल टू, हमने जाना कि रो एल बाई ए है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू इधर रो, रो को हमें पता नहीं, एल मैंने एक सेंटीमीटर ले लिया और ए कितना है, वन सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक से एक कैंसिल, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहां पे रो हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहां पे R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। मतलब क्या है, जो मेरी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर आएगी कब, जब मेरी वायर की लेंथ एक सेंटीमीटर और वायर का एरिया क्या होगा, एक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, रेजिस्टिविटी या फिर रो इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन वायर ऑफ अ वायर विथ लेंथ वन सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में, मतलब मैंने फिक्स कर दिया कि जो भी मेरा 1 सेंटीमीटर लंबा वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया होगी, इतना मैं टुकड़ा ले लूं तो उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा, उसकी क्या होगी, जो भी मेरी रेजिस्टिविटी होगी। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। यहां पे आप 1 मीटर भी रख सकते हो, यहां पे 1 मीटर स्क्वायर भी रख सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, बट जो भी इसका डायमेंशन होगा, जो भी इसका लेंथ होगा सेंटीमीटर में, तो इसका एरिया को भी आपको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, और ये एक और एक होना चाहिए, 1 मीटर तो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ओके, अगर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें, ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा भाई, आर इज इक्वल टू, मुझे पता है रो एल बाई ए है मेरा, आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओके, रो की हमें यूनिट पता करनी है, एल की यूनिट क्या होगी, मान लीजिए मैंने सेंटीमीटर रख दिया, और इसकी यूनिट क्या होगी, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा भाई, 1 सेंटीमीटर नीचे बच गया, तो रो क्या हो जाएगा, इधर जाके ओम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं यूनिट ऑफ रो की बात करूं, तो ऐसे ये लग दीजिए, और ये ओम सेंटीमीटर, या फिर अगर मीटर में रखूंगा तो ये ओम मीटर आएगा, और ओम मीटर, ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा रखा, यहां पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, सिर्फ यूनिट थोड़ी आएगी, 5 ओम सेंटीमीटर, 10 ओम मीटर, तो यहां पे ब्रैकेट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बाकी ये रहेगी इसकी यूनिट, ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर। तो आपको ये समझ में आ गया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं कंडक्टेंस की तरफ, ठीक है, अब हम आगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को प्रॉपर पढ़ेंगे। तो यहां पे हमने जो चीजें पढ़ी, इसको हमने पढ़ा भाई एक मेटल के वायर के लिए, इसके लिए पढ़ा भाई मेटल के वायर के लिए, और इसको हम अप्लाई करना हमें सॉल्यूशन के लिए, ताकि हम दोनों में एक रिलेशन कैसे पता करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, देखिए भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, ऐसा मैंने एक वायर का स्क्वायर का टुकड़ा ले लिया, जहां पे क्या है भाई, इसकी लेंथ भी है 1 मीटर मान लेता हूं मैं, और ये भी कितनी है 1 मीटर, और इसका जो भी, चलिए मैं क्यूब टाइप से बना लेता हूं, ठीक है भाई। तो यहां से मैंने ये बना दिया, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक मीटर का वायर ले रहा हूं, ओके, मीटर का वायर मैंने लिया, जिसमें इसकी क्या है भाई, ये लेंथ या हाइट बोले, ये भी 1 सेंटीमीटर ले ली मैंने, या 1 मीटर ले ली मैंने, इसका ये भी ले लिया मैंने 1 मीटर, और क्या क्या बचा, ये भी मैंने ले लिया 1 मीटर, इसको मैंने ले लिया 1 मीटर। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये 1 मीटर क्यूब का एक मेरा क्यूब हो गया, मेटल का क्यूब हो गया, ओके। तो मैं इसका तो भाई इसी के लिए हमें मेजर करना है रेजिस्टेंस, हम इजीली मेजर कर सकते हैं जो भी चीजें, लेकिन इसे हम सॉल्यूशन पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं, जब भी हम क्या बनाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए, हमें सेल बनाना पड़ेगा, ठीक है, सेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे। तो अगर मैं एक काम करूं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं एक काम करूं ऐसा, ठीक है, और काम क्या करना है उसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए भाई ऐसे मैंने क्या किया, 2 मैंने प्लेट्स ले ली, जो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स की मैंने 2 प्लेटें ले ली, यहां पे एक मेरा इधर लगा होगा, इधर भी मैंने जो भी मेरा वायर लगा होगा, ये मेरी मेटल की 2 प्लेट्स है, ठीक है, जो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं। अब सॉल्यूशन क्या होगा, इन्हीं के बीच भरा जाएगा, आगे बात समझ में, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इन्हीं के बीच भरा जाएगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन को जो है, मैं इनको ऐसे थोड़ा अटैच करके इनके बीच में पूरा मैं सॉल्यूशन भर दे रहा हूं, आपको बात समझ में आई, देखिएगा ध्यान से भाई, ये मेरे 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है, ये मेरे 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, और इनके बीच मुझे क्या करना है, मुझे मैं इनके बीच सॉल्यूशन को भर दे रहा हूं, अभी बस पूरा इनको कंप्लीटली मैं सॉल्यूशन से भर दे रहा हूं। तो क्या होगा यहां पे, देखिएगा, ये पूरा सॉल्यूशन जो है यहां, ये पूरे इस एरिया में भर जाएगा, आगे बात समझ में। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसी को मैं ऐड कर देता हूं फिर से, अगर मैं इन्हीं को ऐसे सॉल्यूशन से भर दूं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच सॉल्यूशन में भर दूं, तो कुछ कैसा दिखेगा, देखिएगा ध्यान से, ये मेरा कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, और ये दोनों प्लेट्स के बीच क्या है, पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो
आपको पता है आप क्या हो गया, ये मेरे बीच में क्या हो गया, जो सोल्यूशन होगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, आगे बात समझ में। और ये मेरे प्लेट्स तो मेटल के हैं, तो कुल मिला के ये भी एक कंडक्टर टाइप का ही हो गया। ये भी देखिए, ये भी मेरा कंडक्टर है, इसमें सिर्फ क्या है, ये पूरा मेटल सॉलिड फॉर्म में भरा हुआ है इसके दोनों प्लेट्स के बीच। यहां पे क्या है, इस सॉलिड मेटल की जगह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, आगे बात समझ में। ये मेरा जो सॉल्यूशन है ये भी क्या कर रहा है, पूरे मीडियम में भरा हुआ, और ये कंडक्टर ही बना रहा है, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो ये भी एज अ एक कंडक्टर ही हमारे पास हो गया, जिसकी हम तुलना इसके साथ कर सकते हैं। यहां पे पूरा मेटल का एक वायर ही था, जिसमें अगर मैं मान लीजिए दो ले लेता हूं, दो प्लेटों के बीच मैंने सीधा मेटल ही भर दिया, और यहां पे मैंने दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया है, तो मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए मैं इसको जो है इससे कंपैरिजन कर सकता हूं। आगे बात समझ में। तो अब हमें इसके लिए हमें सारी चीजें पढ़नी है, कंडक्टेंस वगैरह। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा, हम इस पे आ जाते हैं, अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। और जब मैं रेजिस्टेंस को उल्टा कर दूंगा, अगर मैं इसको कर दूं, मैं 1/r कर दूं, 1/r कर दूंगा, तो 1/r क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ρ, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा l, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो 1/r है, मैंने क्या कहा था, जब r को ही रिवर्स कर देते तो क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाता है। तो यहां पे r मेरा क्या था, रेजिस्टेंस था, लेकिन 1/r क्या हो गया, 1/r को मैं ले लेता हूं, मैं इसको मैं ले लेता हूं g, क्या लिख लेता हूं g, और यही क्या है, ये मेरा है कंडक्टेंस, ठीक है भाई। और ये देखिए 1/ρ जो है, 1/ρ को मैं लिख देता हूं, 1/ρ को मैं कप्पा से लिखते हैं, ठीक है, k टाइप से दिखता है, k ही लिख सकते हो, इसको मैं लिख देता हूं कप्पा, ठीक है। और यहां पे a बाई l, तो बस देखिए यहां से चीजें शुरू हो गई हैं आपकी। g क्या है, मेरा कंडक्टेंस है, ओके। k को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, k है क्या मेरा भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आप बस देखते जाइए चीजों को, जी क्या है भाई, जी है 1/r, इसको मैं बोलूंगा कंडक्टेंस, ठीक है। और क्या था, कप्पा क्या है, 1/ρ, और इसको मैं क्या बोलूंगा, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब आपको जो भी आपने वर्ड सुना होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो ये होता है, सुनिएगा ध्यान से, जैसे रो होता है, देखिए अब कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में लोगों को डिफरेंस आ जाता है कि भाई क्या होगा, डिफरेंस क्या है दोनों में, तो सेम वही डिफरेंस है जो कि मेरा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में होता है, आगे बात समझिए, वही डिफरेंस कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में होता है। कंडक्टेंस क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके पूरे एरिया लेंथ वगैरह पे डिपेंड करेगा, और कंडक्टिविटी क्या है, उसकी एक टाइप से इंटरनल प्रॉपर्टी हो जाएगी, जैसे कि मेरी रेजिस्टिविटी थी, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और फिर से आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, अगर मैं यहां पे हम इनकी थोड़ी यूनिट्स की बात कर ले, कंडक्टेंस की यूनिट, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या है भाई, जी इज इक्वल टू 1/r, तो क्या हो जाएगा, जो भी मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये 1/OHm आएगा, ठीक है। तो 1/OHm को ही हम बोलते हैं क्या भाई, या फिर इसको हम ओम इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर 1/ohm हो सकता है, 1/ohm इनवर्स बोलते हैं, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, MHO, ठीक है, ऐसा किया जाता है कि इसको OHM को MHO बोल दिया, इसको रिवर्स कर दिया था, तो ओम इनवर्स या फिर मो बोल सकते हैं, या फिर इसको हम साइन 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, साइन 1, ठीक है, या फिर इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ओके। तो कुल मिलाकर क्या है, इसकी यूनिट एस हो सकती है, जी की यूनिट क्या हो सकती है, एस हो सकती है, या फिर ओम इनवर्स हो सकती है, या फिर एम एच ओ हो सकती है। आगे बात समझ में, एस क्या होता है, एस होती है कंडक्टेंस की यूनिट, और कंडक्टेंस कैसा, सिर्फ रेजिस्टेंस के जैसा, कि हम पूरे जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम की जो है कंडक्टिव, जो भी होगी उसकी कंडक्टेंस होगी, ठीक है, या पूरे वायर की कंडक्टेंस होगी। और यहां पे अब हम आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये चीजों को आप थोड़ा देखते रहिएगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है भाई, देखिए हमने भी लिखा, क्या लिखा था, कि g इज इक्वल टू कप्पा a बाई l था, l बाई क्या था, a बाई l था ना, a बाई l, ठीक है। तो यहां पे जो k है, k ही मेरा क्या है भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, या फिर a
कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में डिफरेंस है कि कंडक्टिविटी के को बोलते हैं और कंडक्टेंस जी को बोलेंगे, वॉल अपॉन आर को। और ये के क्या होता है, के मेरा सिंपली क्या है भाई, के है मेरा के इक्वल टू वन अपॉन रो है। अगर कहीं रो की वैल्यू दोगे तो रो को आप इनवर्स कर दीजिए, क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी हो जाएगी। या फिर इसी को हम क्या लिखेंगे, k is equal to, यहां पे देखिए इसको मैं k को ऐसे लिख सकता हूं क्या, k is equal to ये g l by a multiplied by, या फिर मैं इसी को क्या लिख सकता हूं g l by a, ओके g multiplied by l by a, जहां g क्या है कंडक्टेंस और l क्या है लेंथ है और ये क्या है a है। लेकिन सॉल्यूशन में लेंथ और एरिया कैसे आएगा तो ये देख लीजिए। तो सॉल्यूशन में लेंथ क्या होगा भाई, ये इन दोनों जो भी प्लेट्स होंगी, जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे l, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा, ये एरिया जो इस इलेक्ट्रोड का होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे a, ओके। इस इलेक्ट्रोड का एरिया को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। सॉल्यूशन के लिए जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंडक्टेंस मेजर करेंगे, और इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे l बोलेंगे, ठीक है। तो ये होगा मेरी कंडक्टिविटी g into l by a। अगर इसकी बात की जाए, अगर यहां पे इसकी बात की जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होगी भाई, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये होगी g की, तो हमें पता है g की क्या होगी, हमारी g की तो हमारी साइमन हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे मान लीजिए अगर मैं इसकी यूनिट सेंटीमीटर में लेता हूं, तो ये मेरा सेंटीमीटर, और नीचे क्या हो जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कुल मिला के एक सेंटीमीटर सेंटीमीटर बच जाएगा, और ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, तो ये मेरा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आता है भाई, इसकी यूनिट आती है, क्या आती है इसकी यूनिट आती है, ठीक है। और इसको डिफाइन हम कैसे करें, तो देखिए यहां पर जब हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि g into l by a होता है, तो देखिएगा g into l by a को हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये जो मैं ये ले रहा हूं सिस्टम, यहां पर मैं मान लेता हूं कि जो मेरे जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, एक सेंटीमीटर ले लेता हूं मैं, एक सेंटीमीटर ले लेता हूं, और जो इन इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया है, इसको मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे ले लेता हूं, a इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूं। तो यहां पे क्या होगा भाई, k इक्वल टू क्या हो जाएगा g, और l की जगह मैं क्या रख दूंगा 1 सेंटीमीटर, और ये क्या रख दूंगा मैं x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू मेरा यहां पे g आ जाएगा, कब, जब मेरा लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगा और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ध्यान से दीजिए, देखिएगा, तो यहां पर मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकता हूं कि स्पेसिफिक किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो अगर मेजर करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी, सिस्टम की कंडक्टेंस के बराबर होगी, कब, जब मेरा सिस्टम का है क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है, तब। तो यहां पर मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, देखिएगा भाई डेफिनेशन में दे सकता हूं, यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस conductance of a system where the distance between electrodes is 1 centimeter, या फिर मैं 1 meter भी ले सकता हूं, ठीक है, और and the एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं मीटर लूंगा तो इसकी यूनिट साइमन मीटर इनवर्स में आ जाएगी, के की यूनिट, ठीक है। लेकिन मैं सेंटीमीटर इनवर्स इसलिए प्रीफर कर रहा हूं कि हम जो भी प्रॉब्लम्स करेंगे हमें यूनिट एक ही रखनी है, हम सेंटीमीटर इनवर्स में ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम सेंटीमीटर इनवर्स में करेंगे, इसे मैं सेंटीमीटर बोल रहा हूं। तो कुल मिला के स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगी, कब, जब मेरा इन सब जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाए 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, अगर ये मीटर स्क्वायर हो तो ये मीटर, और ये सेंटीमीटर हो तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, क्या बोल सकता हूं मैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि अगर इनकी एरिया 1 सेंटीमीटर है, ये एरिया 1 सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कैसे पता करूंगा मैं, यहां वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू l into a, एरिया into जो भी इसका ये लेंथ होगा, तो अगर ये दोनों 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब।
आगे बात समझ में। तो यहां पे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन के लिए वो उसके एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का सॉल्यूशन होगा, का की कंडक्टेंस होगी। फिर से आप बात को समझिए, मैंने कितना भी बड़ा सेल बना लिया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां से अगर मैं एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल लूं तो उसकी जो भी कंडक्टेंस होगी वो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी, किसमें, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। पूरे सिस्टम की जो कंडक्टेंस होगी वो तो मेरी क्या हो जाएगी, एस जी हो जाएगी। पूरे सिस्टम को अगर मैं ले लूं तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल लूं वहां से, एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगी, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज the conductance of 1 centimeter cube volume of that electrolytic solution। अब आपको समझ में आई भाई बात, डिफरेंस क्या है कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। पूरे सिस्टम की जो भी कंडक्टेंस होगी क्या हो जाएगी, उसकी कंडक्टेंस होगी, जी होगी। लेकिन मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यहां से मैं निकाल लूं तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। तो मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक फिक्स वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है, ओके। उसमें कितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स के मोल, इससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ उसका उतना वॉल्यूम लीजिए, उसकी कंडक्टेंस को मेजर कर दीजिए, वो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी। अगर मैं वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेता हूं तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं वॉल्यूम मीटर लेता हूं तो क्या आ जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आगे बात समझ में आई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, तो ये होती है एक फिक्स वॉल्यूम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मीटर क्यूब की जो भी वॉल्यूम का कंडक्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अभी जो हमने एक टर्म पढ़ा, जो हमने टर्म पढ़ा L/A पढ़ा, तब उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी भी हमें सिग्निफिकेंस है। हमें यहां पे जो हमने पढ़ा अभी क्या पढ़ा था, कप्पा इज इक्वल टू जी L/A। तो जो L/A का रेशियो है, L/A, तो देखिए L/A का रेशियो किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है भाई, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। अगर मैंने एक सेल बना लिया है तो यहां पे इनकी जो एरिया फिक्स हो जाएगा वो तो चेंज नहीं होगा, और ये इसका L जो उनके बीच हमने डिस्टेंस दे रखा है वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो L/A की जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है, और इस वैल्यू को हमको क्या बोलते हैं, सेल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेल कॉन्स्टेंट, इसी को बोलते हैं। तो L/A इज इक्वल टू, इसको मैं x लिख दे रहा हूं, x, और ये क्या है मेरा, सेल कांस्टेंट है। तो ये किसी भी सेल के लिए हमें पता होगा, अगर सेल हम बना रहे हैं तो हमें सेल के लिए पता होगा कि इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और इनकी लेंथ कितनी है, तो वहां से हमें सेल कांस्टेंट L/A की वैल्यू पता होगी। और इसकी यूनिट क्या आती है, यूनिट इसकी आएगी, यूनिट ऑफ x इज सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगी, क्यों, क्योंकि भाई इधर सेंटीमीटर, इधर भाई क्या होगा, इधर सेंटीमीटर और नीचे क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, सेंटीमीटर इनवर्स ही बचेगा। आगे बात समझिए, आप यूनिट्स एकदम याद करते रहना, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, जो भी तरीके से, और सिर्फ यूनिट से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कंडक्टेंस के। तो इसकी यूनिट हो जाएगी भाई सेंटीमीटर इनवर्स, किसके लिए, सेल कांस्टेंट के लिए। इसको कांस्टेंट क्यों, क्योंकि एक सेल के लिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती L/A की, वो वैल्यू फिक्स होती है। थी मेरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और हम एक कंडक्टेंस जो है मोलर कंडक्टेंस को हम पढ़ लेते हैं, फिर इसमें हम मिलाकर प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो देखिएगा भाई, ठीक है, और देखिए जब हम कंडक्टेंस पढ़ेंगे तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने ले लिया है तो सॉल्यूशन इतना भरना है कि सॉल्यूशन दोनों के कॉन्टेक्ट में आए। ये नहीं कि मैंने इतना बड़ा सेल बना दिया पूरे कमरे भर का और उसमें 4 बूंद इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाल दिया, तो ऐसा नहीं, सॉल्यूशन इन दोनों के कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, मतलब भरा होना चाहिए सॉल्यूशन इसमें, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस की, ठीक है भाई, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, देखिएगा इसको हम डिनोट करते हैं भाई लैम्डा एम से। किससे हम डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से मोलर को हम दिखा देते हैं।
तो एक्चुअली मोलर कंडक्टेंस क्या होता है ना, मोलर कंडक्टेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ मैं एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लेके उस इसमें डाल दूं, फिर मैं उसके कंडक्टेंस को मेजर करूं। फिर से देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, अभी हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ा उसको आप रहने दीजिए। मोलर कंडक्टेंस क्या है, मैंने एक सेल बना लिया, ठीक है, जिसकी मैंने ये मैंने फिक्स कर दी, ये मैंने क्या फिक्स कर दी, ये मैंने एक सेंटीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, ठीक है। और इसमें मैं एक मोल सॉल्यूशन लो, ये मुझे वॉल्यूम से यहां पे कोई मतलब नहीं है, मैं एक मोल सॉल्यूशन चाहे एक लीटर में बनाऊं चाहे मैं पांच लीटर में बनाऊं, एक मोल लेकिन होना चाहिए, एक मोल सॉल्यूशन बना के मैं सेल में भर दूं, ठीक है। तो सेल में भर दो, ये तो मैंने फिक्स कर रखा है। अब क्या पता अगर मैंने उसको एक लीटर में बनाया तो सेल पता यहां तक भरे, मैंने उसको दो लीटर में बनाया तो सेल मेरे ऊपर तक भरेगा, तो यहां पर इसके एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है, यहां पर इसके एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, बशर्ते जो एक मोल का सॉल्यूशन उसमें भर जाए। फिर से बात को समझिए, मैंने एक सेल बनाया जहां पे मैंने इसकी जो ये प्लेट के बीच क्या है डिफरेंस जो है भाई, ये मैंने फिक्स कर दिया, ये मेरा एक सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का लेना है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल लेके उसका सोल्यूशन बनाना है, तो उसमें मुझे डिपेंड नहीं करता मैं कितने भी वॉल्यूम का सोल्यूशन बनाऊ, मैं उसको एक लीटर पानी में बना सकता हूं, मैं उसको 500 ml में बना सकता हूं, मैं इसको 2 लीटर में बना सकता हूं, लेकिन जितने भी वॉल्यूम में ये सॉल्यूशन बनेगा, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इसमें हमें डालना है सॉल्यूशन का, 2 लीटर बनाया तो पूरा 2 लीटर बनाना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अब मुझे पता है अगर मैं 500 ml लेके मानता हूं कि मैं यहां तक फिल होता है, तो 1 लीटर यहां तक होगा, 2 लीटर यहां तक होगा, तो इसकी जो है इसके एरिया से हमें मतलब नहीं है, एरिया कितना भी बड़ा हो जाए इसके, ये हमने फिक्स कर दिया, एरिया कितना भी इनका बड़ा हो जाए, मतलब ये कितने भी बड़े हो जाए इलेक्ट्रोड्स, बशर्ते सॉल्यूशन इनमें भर जाना चाहिए। तो अगर मैं एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का मेजर करता हूं कंडक्टेंस, तो वही मेरा क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टेंस हो जाता है। आगे भाई बात समझ में, क्या हो जाता है, वही मेरा मोलर कंडक्टेंस हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा के स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन में लिख दूंगा, जितनी भी उसकी कंसंट्रेशन होगी, पर यूनिट कंसंट्रेशन मतलब पर मोलर कंसंट्रेशन पे इसकी कितनी कंडक्टेंस है उसी को मैं क्या बोलूंगा लैम्डा एम, और ये कौन सी काइंड ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। आगे बात समझ में, तो कुल मिलाकर जो मेरा मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है भाई क्या, एक मोल की कंडक्टेंस, यहां में वॉल्यूम से मतलब नहीं, वॉल्यूम कितना भी हो जाए, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, फिक्स वॉल्यूम की कंसंट्रेशन है, 1 cm³ वॉल्यूम की कंसंट्रेशन है, उससे हमें मोल से कोई मतलब नहीं, उसमें कितने मोल है। और मोलर कंडक्टेंस है फिक्स मोल की कंडक्टेंस, मतलब एक मोल की कंडक्टेंस पर मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, उससे हमें वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। तो ये रिलेशन है भाई मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। अगर यहां पे मैं इसको लिखना चाहूं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमें यूनिट्स भी चाहिए यहां पे, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से इसको मैं, अगर मान लीजिए मैं k की वैल्यू को मैं साइमन सेंटीमीटर में मेजर करता हूं, तो ये मोलर कंडक्टेंस हो गया हमारा। तो लैम्डा एम में क्या लिखूंगा, देखिएगा भाई यहां पे तो इसकी यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर में, इनवॉइस में ही मेजर करूंगा क्योंकि हमें प्रॉब्लम इसी में करना है, ठीक है। और इसकी जो वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की क्या होगी भाई, मोल पर लीटर में होगी, सॉल्यूशन की वैल्यू भाई क्या होगी, कंसंट्रेशन मोलर में होगी, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी भाई, मोल पर लीटर आएगी, ठीक है। लीटर नीचे तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये लीटर, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, मोल, ओके। लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है कि यहां पे यूनिट इसकी लीटर है, क्या है भाई, यूनिट लीटर है, और यहां पे यूनिट क्या, सेंटीमीटर इनवर्स है, हमें सारी चीजें सेंटीमीटर इनवर्स में ही डील करनी है, तो हमें लीटर को किसमें कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो मेरा 1 लीटर होता है ये होता है भाई 1000 cm³ होता है, तो मैं इसको लैम्डा को क्या लिख सकता हूं, देखिएगा इसको मैं ऐसे लिखता हूं क्या, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10^3 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ये मोल हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बाद क्या है, देखिएगा सेंटीमीटर से 1 cm चला गया, तो ये क्या बचेगा, ओवरऑल लैम्डा एम जो भी इसकी वैल्यू आएगी, और ये क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, ये मोल ऊपर जाके मोल इनवर्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इधर 10^3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये हो गया, अगर मैं किसको, मोलर को मैं कन्वर्ट करूं मोल पर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, तब ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और 10^-3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल फॉर्मूला मेरा क्या है, तो देखिएगा लैम्डा एम को मैं क्या लिख सकता हूं, मेरा कप्पा
बाई जो भी इसकी कंसंट्रेशन मोलर में हो, इसको मल्टीप्लाई में कैसे कर दूंगा, 10^3 से, और आगे यूनिट क्या हो जाएगी, साइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है भाई, तो ये आ गया मेरा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। और मोलर कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस है भाई कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना भी जिसमें 1 मोल मेरा डिसॉल्व हुआ हो और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और इसका फॉर्मूला रहा ये, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दीजिए और उसे 1000 से ऊपर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यूनिट उसकी क्या रखेंगे हम, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप जो है इसकी भी यूनिट आप ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट ध्यान रखिएगा, सेल कॉन्स्टेंट की यूनिट ध्यान रखिएगा, और मोलर कंडक्टेंस की यूनिट ध्यान रखिएगा। तो इस पे हम जो अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, होप आपको ये समझ में आ गया होगा मोलर कंडक्टेंस ये सब जो भी डिफरेंसेस है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आपको लेक्चर जो नेक्स्ट मिल रहा है उसमें हम प्रॉब्लम्स करेंगे इन पे।